नमस्कार रविता मैम, कैसे हो? स्वागत है आपका। सर मैं अच्छी हूँ। आप बताइए आप कैसे हैं। जी बिल्कुल अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने आज हमारे चैनल पर दर्शन दिए। काफी टाइम से शुक्रिया हम हाँ जी शुक्रिया सर, आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपके चैनल पे आ सकूं या आपके चैनल आपसे आपके चैनल से आपके स्टूडेंट्स हैं उनसे जुड़ सकूं। नहीं, बड़ा अच्छा लगा मैम। और काफ़ी बच्चों को मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी, क्योंकि बच्चे काफ़ी डिमांड कर रहे थे कि कुछ व्यूज़ शेयर कराए जाएं, तो इसलिए आपसे बात करी। और बहुत धन्यवाद आपने टाइम दिया अपना कीमती समय निकाल के। हाँ जी सर, जी मैम, वैसे तो देखो मैं आपको बड़े अच्छे से जानता हूँ और काफ़ी लोग भी जानते हैं, लेकिन जो आपको नहीं जानते तो आप ही प्लीज़ उनको इंट्रोड्यूस कर दीजिए, अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। जी मेरा नाम रविता है और मैं दिल्ली से हूँ। DSSSB PRT में मेरा सिलेक्शन हुआ है। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैंने मास्टर्स हिंदी और MED किया है और CTET SATET क्वालिफाइड हैं। अच्छा, जी तो सर, मैम यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है, जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं, खासतौर पे जब एग्ज़ाम पास आता है तो बड़े घबरा जाते हैं, तो आप उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? हाँ ये एक पॉइंट है कि क्या होता है अभी जैसे कोविड के टाइम पे भी ऐसे हो रहा है कि एग्जाम्स डिले होते जा रहे हैं, डेट आ रही है फिर एक्सटेंड हो रही है, तो इससे बच्चे थोड़ा सा एक कहते हैं ना अपने रास्ते से भटकना या मतलब हट जाना उस चीज से कि अभी एग्जाम होना नहीं है, अभी नहीं कर रहे हम, इस तरीके की कुछ कि देखा जाएगा एग्जाम होगा। तो अब देखो एक तो टाइम इतना हो गया है कि आप सोचिए हर कोई एक कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है, तो हमें ये नहीं सोचना कि एग्जाम तब होगा हम तभी तैयारी करेंगे। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो आप हर दिन अगर 10 मिनट 15 मिनट भी आप एक चीज को ध्यान से करते हो, और सबसे बड़ी चीज इंपॉर्टेंट रिवीजन, कि आपको उस बिल्कुल चीज का रिवीजन करना जरूरी है। जो आपने कल पढ़ा था उसको आज चाहे 1 मिनट के लिए सिर्फ नजर फेरना या रीडिंग करना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आप आगे बढ़ो, उसके बाद आप आगे बढ़ो, तो उस चीज को आप कभी भूल नहीं पाओगे। और ऐसा वेट मत करो कि एग्जाम आएंगे तभी हमें तैयारी करनी है, बल्कि खुद को प्रिपेयर रखो कि जब भी एग्जाम होगा हमें बिल्कुल तैयार ही रहना है और हमें इसको क्लियर करना ही है। वैकेंसी चाहे कम है चाहे ज्यादा है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक वैकेंसी चाहिए और वो आपकी मेहनत से मिल जाएगी। जी बिल्कुल सही कहा मैम आपने। तो मेरा छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे ये कि बच्चे ना क्या करते हैं, जैसे एग्जाम जब पास आता है पहले तैयारी नहीं करते, लेकिन जब एग्जाम पास आता है तो घबरा जाते हैं, फिर वो उस कंपटीशन से बाहर निकल जाते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे मैम उनसे? नहीं देखिए सर, घबराने से तो काम नहीं चलेगा। लास्ट टाइम स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि आप सिलेबस को पहले कंप्लीट कर लें और लास्ट टाइम में प्रीवियस ईयर पेपर्स और जो भी मॉक टेस्ट है वो करने शुरू कर दें। और वो ऐसे नहीं कि आप सुबह लेके बैठ गए और शाम तक ही उसको कंप्लीट करना है, बल्कि एक टाइम मैनेजमेंट लेकर एक एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग आपको उस टाइम के अंतर्गत ही उस चीज को कंप्लीट करना है। कि मुझे अगर आपके 5 पार्ट्स हैं तो आप और आपके पास 3 घंटे हैं, तो कॉन्टिन्यूटी में 3 घंटे बैठ के आपको हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टाइम देना होगा कि 20 मिनट्स में मुझे रीजनिंग को कंप्लीट करना है, 10 मिनट्स में मुझे जीके को कंप्लीट करना है। और उसके बाद जैसे नेगेटिव मार्किंग होती है, चेक करते टाइम भी आप नेगेटिव मार्किंग को एक तरफ करके मतलब हटा करके अपने मार्क्स को और खुद को इवेल्युएट कर सकते हैं। उसी से एक्यूरेसी आएगी और आपको पता रहेगा कि मतलब कहाँ तक आप पहुंचे हैं। अच्छा मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैम मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि अगर स्टूडेंट कोई पढ़ना चाहे तो कितने घंटे मिनिमम उसे पढ़ने चाहिए? जैसे नहीं बहुत देखिए सारे सर, बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 10-10 घंटे भी पढ़ते हैं, तो कितना घंटे आप मान के चले कि वो सही है? नहीं देखिए वो तो पढ़ने का तो आपका एग्जाम पे और उस पे डिपेंड करता है। ऐसा भी नहीं है कि आप एक चीज के लिए 10 घंटे पढ़े, 12 घंटे पढ़े या पूरा दिन पढ़े। एक कंसंट्रेशन के साथ पढ़े, कम समय के लिए पढ़े, लेकिन एक्यूरेट चीजें पढ़े, और जो पढ़े वो आपको एक टाइम में तैयार हो जाना चाहिए। अच्छा, आपका मतलब है कि मतलब 10 घंटे पढ़ने की जगह आप कम पढ़ें लेकिन उसे अच्छे से पढ़ें, आपको खुद लगे कि जी आपने वो चीज़ें क्लियर कर ली। जी बिल्कुल। जी,
मैम, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपका शेड्यूल क्या था। हालांकि हर किसी का माइंड अलग होता है, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका शेड्यूल क्या था, किस तरह आपने तैयारी करी और कितने घंटे लगभग आप पढ़ते थे। ओके, देखिए सर, शेड्यूल की बात है कि उस टाइम पे हाउस मेकिंग बच्चा था मेरा, तो ऐसा ही था कि एक्यूरेट कोई फिक्स टाइम नहीं था कि सुबह ही करना है शाम को ही करना है, क्योंकि फैमिली को भी देखना है, बच्चे को भी देखना है, और घर वालों ने टाइम भी दिया, सपोर्ट भी किया। ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। और एक चीज, आप किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे पढ़ाई के टाइम पे कि पेरेंट्स आपको कोचिंग पे भेज रहे हैं या पेरेंट्स ने आपको एक अलग रूम, सेपरेट रूम दे दिया कि बेटा आप यहाँ पे पढ़ाई करो, आपको जो चीज चाहिए हम दे देंगे। और आप लोग क्या करते हो, उस चीज का नाजायज फायदा उठाते हो कि चलो थोड़ी देर के लिए हम फोन तो ऐसी चीज है इंटरनेट कि आप एक बार उलझते चले गए तो उलझते चले गए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितना टाइम आपने उस पर स्पेंड कर दिया। दूसरी चीज कि ये धोखा आप अपने पेरेंट्स के साथ या किसी और के साथ नहीं कर रहे हो, बल्कि आप खुद के साथ कर रहे हो। आज उस चीज का आपको पता नहीं लगेगा कि ये चीज आप खुद के साथ धोखा कर रहे हो, लेकिन जब समय निकल जाएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि उस टाइम पे जो मेरे पेरेंट्स ने, मेरे घर वालों ने मुझे टाइम दिया, मैंने उसका सही उपयोग नहीं किया। तो ऐसे ही था, मतलब काम करने के बाद मुझे टाइम दिया जाता था कि भाई आप पढ़ लो, तो ऐसे नहीं किया कि अब मैं काम करके थक गई हूं तो मैं सो जाऊं या मैं आराम करूं, लेकिन मैं ये सोचती थी कि मुझे टाइम दिया गया है तो मैं इसमें अपनी पढ़ाई करूं, क्योंकि आज वो धोखा मैं खुद के साथ करूंगी, दूसरों के साथ नहीं करूंगी, है ना। तो वो सक्सेस मिली तो मुझे मिली, नहीं मिलती तो मेरा ही लॉस होता, कोई किसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उस चीज का। दो दिन कोई बोलता है, तीसरे दिन कोई फर्क नहीं पड़ना किसी को, ठीक है। तो यही बात है, और ऐसा नहीं है कि फिक्स ही टाइम, जब भी आपको टाइम लगे, जब भी आपको अंदर से उस चीज के लिए मोटिवेट होना पड़ेगा उस चीज को, अगर 10 मिनट है ना, तो ये सोचो कि 10 मिनट में मैं कुछ ना कुछ तो सीख सकता हूँ। और काम ऐसा नहीं है कि आप काम ना कर रहे हो, स्पेशली गर्ल्स के लिए, लेडीज के लिए बोलना चाहूंगी कि आप काम करते हुए भी, आप जैसे मान लीजिए मैं भी ऐसे ही थी कि खाना बना रही हूँ, यूट्यूब पे चला लिया मैंने कोई भी चीजें, जीके वगैरह चला ली और उनको देखती रही, साथ में खाना भी बनाया, ऐसे ऐसे टाइम भी हमने गुजारा है और सक्सेस भी आप लोगों की और ईश्वर की दया से हमें मिली है। नहीं मैम, आपने जो भी टाइम आपको मिला आपने अच्छे से यूज किया, और बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम होती है, वो एक तो पहले पढ़ते नहीं है और जब एग्जाम आ जाता है फिर वो डरने लगते हैं। और जैसा आपने बहुत अच्छी बात कही, बिल्कुल ये एक युवाओं के लिए प्रेरणा भी है कि बच्चे क्या करते हैं, जैसे उनको टाइम दिया जाता है तो उस टाइम का वो बहुत मिसयूज करते हैं, जैसे अलग रूम दे दिया पढ़ने के लिए, वहाँ पे वो व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, यूट्यूब वगैरह पे अपने मूवीज देख रहे हैं, कुछ भी ऐसे वो टाइम वेस्ट करते हैं, पढ़ाई पे इतना फोकस नहीं करते। तो ये सही बात है कि कम टाइम भी मिले तो अच्छे से आप उसे यूज करें, और खासतौर पर जो हाउस वाइफ्स हैं, और आप उनके लिए एक रोल मॉडल हैं कि आपको मतलब सारी जिम्मेदारियाँ आपने निभाई और फिर भी जब भी आपको 10 मिनट भी मिला तो आपने वो पढ़ाई करी। तो मैम बहुत अच्छी बात कही आपने, और कुछ और मैसेज आप देना चाहते हो बच्चों को? हाँ, मैसेज यही कि जब भी आपको टाइम मिले, ऐसा मत सोचिए कि 10 मिनट है, 10 मिनट में क्या होगा। अरे 10 मिनट में अगर आप 2 क्वेश्चन भी याद कर लेते हो प्रीवियस ईयर एग्जाम उठा के, या एक फॉर्मूला भी याद कर लेते हो, जो एक फॉर्मूला हजारों क्वेश्चंस पे लगना है, तो वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है। बस इतना ही, और गुड लक, ऑल द बेस्ट। अच्छा मैम, तो इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे व्यूज दिए बच्चों को। लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोग जो बच्चों को कुछ भी हम प्रोवाइड करें, तो आप जैसे लोगों से मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी गाइड करते रहें बीच बीच में। हालांकि मैं आपका भी चैनल है उसका भी लिंक एक बार दूंगा बच्चों को, क्योंकि आप भी बहुत अच्छी अच्छी मोटिवेशनल चीज़ें बच्चों को बताते हो, कुछ एजुकेशनल चीज़ें भी आप प्रोवाइड कराते हो। तो मैं ये भी चाहूँगा कि इसके साथ आप हमारे जो टीचर्स हैं उनको भी गाइड करते रहें, क्योंकि आप खुद एक परफेक्ट पर्सन हो, आप उस चीज़ में सिलेक्टेड हो, तो आप भी गाइड करें हमारे टीचर्स को भी। हालांकि मैं आप जैसे टीचर से रिक्वेस्ट जरूर करता हूं कि बच्चों का भला हो, क्योंकि हम आपका सभी का मोटिव यही है कि जो भी युवा है, जो भी तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हों, आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो वो आगे बढ़े। तो सर एक बात और मैं बोलना चाहूंगी कि सिर्फ फैमिली सपोर्ट से ऐसा नहीं होगा, और आप ऐसा ना करें कि हमारी फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया या हमारी फैमिली ने सपोर्ट किया। देखिए सिचुएशन चाहे कोई भी है, लेकिन जब तक आप खुद मजबूत नहीं बनते ना, खुद उस चीज को पाने की चाहत नहीं रखते, तो वो आप पा नहीं सकोगे।
और नए नए सोर्सेज ढूंढिए कि आप भी दूसरों को पढ़ाना शुरू करिए, चाहे फ्री में, चाहे आप बुक लिखना, चाहे एक चीज को कुछ भी, मतलब ऐसा कीजिए कि जो जिससे आपको फायदा हो। देखिए चैनल मैंने जब बनाया था तो मेरा मोटिव किसी तरह का नहीं था, मेरा मोटिव ये था कि मैं जब दूसरों को पढ़ाऊंगी तो खुद भी पढ़ूंगी। और जी बिल्कुल सही कहा। बुक मैंने एक बुक भी शुरू की थी इसी वजह से, एक ही चीज को, साइकोलॉजी पे, और मैंने वो लिखना शुरू किया। वो मैंने पहले रफ लिखी, फिर मैंने फेयर की, लेकिन पब्लिश अभी नहीं हुई है, खैर वो एक अलग इशू है। लेकिन उससे मुझे मतलब काफी अच्छे तरीके से उस चीज को क्लियर करने में मुझे बहुत सहयोग मिला, और मैं पेपर भी क्वालिफाई इसी वजह से कर पाई कि मैंने खुद का स्वार्थ ना देखते हुए सिर्फ ये देखा कि मैं दूसरों को कराऊंगी तो मेरी उसमें मजबूती होगी। जी मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया, धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके सर।